विकास के ऊपर फुल स्टॉप किया है अपने 10 वर्षों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के ऊपर नॉन स्टॉप किया है। मैं अब भी ये कहना चाहता हूं कि उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन कम करता हूं, अगर इतने ज्यादा नहीं थे, वो थोड़े मैंने सिलेक्ट किए थे, अभी और भी थे, फिर भी उसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किए थे। वो क्वेश्चन मैंने किए थे कि इनके उत्तर मुझे चाहिए, अगर उतने उत्तर नहीं दे सकते कोई 4-5 के तो दे दें। मैं ये कहना चाहता हूं हमारी सरकार ने 12 मार्च को शर्त लिया, 12 मार्च से 4 अक्टूबर तक टोटल 182 दिन बनते हैं। 4 अक्टूबर को क्योंकि वोटिंग है, रिजल्ट है, 182 दिन बनते हैं। 182 दिनों में लगभग 128 दिन आचार संहिता के निकले हैं। मुझे कुल 51 दिन काम करने का मौका मिला है। 51 दिनों के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के हित में नॉन स्टॉप 126 निर्णय हमारी कैबिनेट ने, हमारी सरकार ने लिए, जिसका लाभ तुरंत प्रदेश के लोगों को उसका मिला है। हमने जो भी निर्णय किया है उस निर्णय को कैबिनेट में ला करके ऑर्डिनेंस लेकर के आए और प्रदेश के लोगों को उसका गति से लाभ मिले, इसको लेकर के हमारी सरकार ने काम किया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष, और इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मेरी कहावत याद है, क्योंकि ये चिट्ठा भी काफी है और ये बहुत थोड़ा लेके आया हूं, परंतु फिर भी काफी हो गया, पता नहीं आप कितना लंबा इसको सुनने का मादा रखेंगे, कभी आप लग जाए कहने भी नहीं भाई ये तो काफी लंबा हो गया, अभी आप इसको छोटा करें। एक कहावत है, मैं कहावत आपके बीच में कहना चाहता हूं, मैं जब मंत्री था पिछली सरकार में, एक व्यक्ति गांव के अंदर जैसा होता है कि 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे अपना मकान बना लिया, कच्चा रास्ता था, बरसात के समय के अंदर बुग्गी भी जाती थी, ट्रैक्टर भी जाते थे, वो रास्ता बड़ा झरझर हालत में हो जाता है, बरसातों के समय में कच्चा रास्ता हो जाता है। तो एक कांग्रेस का पदाधिकारी था और वो कांग्रेस का पदाधिकारी मेरे पास कभी किसी को भेजता, कभी किसी को भेजता, भाई मंत्री जी को कहो कि मेरी गली बनाए, हमारा कार्यकर्ता आता, मैं उनकी बात सुनकर के मकान बनाएंगे, कोई बात नहीं। एक दिन वो स्वयं चल करके आया, मुझे कहने लगा कि हमारी गली बना दो। गली बन गई, एक हफ्ते के अंदर बनवा दी। पहले तो वो घर से निकलता था, गारे से जाता था, गारे से घर में आता था, कपड़े भी खराब होते थे, परंतु जब वो गली बन गई, सुक्के से उस गली के ऊपर ना गारा पैर का लग रहा है, सुक्के से घर जा रहा है, सुक्के से आ रहा है, और गली के ऊपर खड़ा होता है हर रोज और बोलता सरकार कोई काम नहीं कर रही। वो सेम उदाहरण कांग्रेस का है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस सड़क के ऊपर चल रहे हैं उसको वो सड़क दिखाई नहीं दे रही, और ये बात दुष्प्रचार करता हुआ घूम रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये कांग्रेस बोल रही, कितना झूठ बोल रही है। जिस सड़क के ऊपर से निकल करके जा रहे हैं वो सड़क कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाई नहीं दे रही, दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। मैं बताना चाहता हूं 10 वर्षों के अंदर क्या काम किए हैं इनकी सरकार के अंदर 10 वर्षों में, पर्ची और खर्ची के द्वारा लगभग
80,000 नौकरियां जो बताते हैं 10 वर्षों में कांग्रेस ने रेवड़ियों की तरह बांटी है, जैसे रेवड़ी बांटते हैं किसको देनी है किसको नहीं देनी है, रेवड़ियों की तरह बांटी है पर्ची और खर्ची के द्वारा। हमारी सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,45,000 नौकरियां दी गई हैं। दूसरा मैं उनको बताना चाहता हूं जो ये बात बोल रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन इनकी सरकार में, मैं इनको बता रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि कोई सरकार ने काम नहीं किया, इनकी सरकार में मात्र 500 रुपया बुजुर्गों को पेंशन दी जाती थी, जाते जाते 1,000 बोल करके कि दी नहीं है, परंतु 1,000 रुपया भी हमारी सरकार ने देने का काम किया है। आज बुजुर्गों को देश के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धा सम्मान भत्ता हमारी सरकार दे रही है, 3,000 रुपए दे रही है। इनकी सरकार में 2014 से पहले अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाती थी उसके इलाज के लिए कोई प्रावधान नहीं था, उसके हालात के ऊपर ये छोड़ देते थे और गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था, पैसे के अभाव के कारण नहीं करा पाता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था, ये स्थिति इनकी सरकार के अंदर थी। कोई आयुष्मान कार्ड नहीं था, योजना नहीं थी। हमारी सरकार के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसका लाभ ले रहे हैं जिन्होंने इलाज कराया है। लगभग 5,600 कुछ अमाउंट उसके इलाज के लिए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसानों का फसलों का भुगतान नहीं होता था, आपके सामने इनके समय के अंदर क्या हालात थी। हमारी सरकार के अंदर सीधा पैसा, किसान ने फसल बेची 72 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और लगभग 1,12,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसानों के खाते के अंदर हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है, किसानों को असुविधा नहीं होने दी। और अगर 72 घंटे से ज्यादा हुआ उसके ऊपर ब्याज सहित किसान को पैसा पहुंचाने का सह सम्मान हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस के समय में सिर्फ 2 फसलें ही, वो भी केंद्र खरीदता था, ये तो व्यवस्था करते थे, धान और जीरी की फसल केंद्र खरीदता था, ये व्यवस्था करते थे, परंतु हमारी सरकार के अंदर इन 10 वर्षों में किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। 14 अन्य फसलें पीछे था, अब हमने निर्णय किया है कि हम 24 फसलें जो यह हमारे हरियाणा के अंदर होती हैं सारी की सारी MSP पर खरीदने का काम करेंगे। ये हिसाब मांगते घूम रहे हैं, ये इधर उधर की झूठ फैलाने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं ट्रांसफर के लिए किस प्रकार से दलालों के चक्कर काटने पड़ते थे, कितना भ्रष्टाचार होता था इनकी सरकार में। आज ट्रांसफर ऑनलाइन है हमारी सरकार के अंदर, कहीं किसी के